أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني محترم جج صاحبان اور اساتذہ کرام معزز مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا موقع ملا ہے وہ برائے نام ایک عنوان ہی نہیں بلکہ آج کے دور کی طرف حقیقت ضرورت اور سچائی ہے جناب اعلیٰ آج کا میرا موضوع خاص اقبال کا شاہین اور آج کا نوجوان ہے تو شاہین ہے सबसे पहले सवाल ये उठता है कि इकबाल जैसे इंकलाब आखिरी शायर की नजर आखिरी शाहीन पर ही क्यों ठहरी तो जनाब इस सवाल का जवाब भी इकबाल के एक खत से मिलता है कि शाहीन बुलंद परवाज है दूर अंदेश है तेज निगाह है मुर्दार नहीं खाता आशियाना नहीं बनाता इकबाल की शायरी में तस्वुर शाहीन खास अहमियत का हामिल है वह उम्मत मुस्लिमा के हर नौजवान ने शाहीन सिफात देखते थे ऐसा शाहीन और मशरिक से मगरिब तक के आसमानों पर अपनी बादशाहत कायम कर दे साथियों आज का नौजवान शाहीन के नौजवान के बरअक्स है अफसोस इकबाल जैसे अजीम शायर का शाहीन बुलंदियों के लिए सरगर्दा है मगर आज का नौजवान उन्हें ताकत गुफ्तार पर तो नाज है मगर बात करने का सलीका नहीं इनकी जिंदगी का ना तो कोई मकसद है ना कोई बड़ा काम कर गुजरने की चाह ये क्या जाने कि सुकरात ने जहर का प्याला क्यों पिया इमाम अली मकाम की सरफरोशी क्या थी तारिक बिन सैद ने कश्तियां चलाने का हुक्म क्यों दिया मोहम्मद बिन कासिम जैसे नौजवान सिंध के कब्रिस्तान को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं मगर आज के नौजवान क्या जाने इकबाल के शाहीन की मंजिल आसमानों पर होती है नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर जनाब आला आज के नौजवान इकबाल की शायरी को क्या समझेंगे ये तो इकबाल की शायरी को पेपर में चॉइस पर छोड़ देते हैं इनकी समझ और गौर और फिक्र को इंटरनेट जैसी बला निकल गई है और नौजवानों को ना अहल कर रही है मगरबी तहजीबों को अपना कर आज का नौजवान बहुत सारे मसाइल का शिकार होकर रह गया है इनसे निकलने के लिए इकबाल के शाहीनों को मैदान अमल में आने की जरूरत है पाक फिजाएं इन शाहीनों की मुंतजर है ये शाही और कोई नहीं आज के नौजवान हैं ये महज मगरबी साजिशों के पाई राह रात से भटके हुए हैं जरूरत उस अमर की है कि आज हम नौजवानों में शाहीन सिफात बेदार करें ताकि मुसलमान एक बार